मुख्यमंत्री का सात निश्चय योजना नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बिहार में इस योजना की हवा निकालने में अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कोई पीछे नहीं है। योजना में सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल का योजना है, लेकिन रोहतास में इस योजना में 44 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसके बाद जिला अधिकारी पंकज दीक्षित ने पंचायती राज विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया है, जिसमें 20 मुखिया, 20 पंचायत सचिव तथा वार्ड क्रियान्वयन समिति को दोषी पाया गया है। तो विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी, लगातार उनको कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा था, फिर भी उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। तो संबंधित जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से जांच करा के जो फलाफल आया है उसमें अनियमितता का स्तर पाया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई का अनुशंसा किया जाए तथा लोक में उनके ऊपर जो संगत नियम है उनके तहत कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। रोहतास जिला के 20 पंचायतों के मुखिया ने अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा सरकार को नहीं सौंपा। जिला प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भेजने के बावजूद जब कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र समाहित नहीं की गई, तो अंततः जिला अधिकारी ने तमाम दोषी मुखियाओं पर कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग को अनुशंसा कर दिया है। डीएम ने अपनी अनुशंसा में सभी मुखिया पर FIR कर उसे पदयुक्त करने की सिफारिश की है। विक्रमगंज के घोसिया खुर्द, नूनसर नोखा के नौनसारी, छतौना, बड़ाव, कुड़ी, सोतवा, हथनी, धर्मपुरा, बड़ीहा, संजौली प्रखंड के चांदी इंग्लिश अमेठी, करमैनी संजौली पंचायत, मंजौली, तिलोथू के इंद्रपुरी, सरेसा, तिलोथू पूर्वी तथा सूर्यपुरा के बलिहार के मुखिया को पद से हटाने की अनुशंसा की गई है। लेकर मुखिया लोगों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या इसमें तकनीकी पक्ष क्या है इसका? तकनीकी पक्ष क्या है कि राज्य मद से जो एरिया पंचायत थे उसमें दो मद की राशि आई थी, नली गली और नल जल के लिए। सरकार के द्वारा बार बार उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही थी, जब तक अंकेक्षण नहीं होता तब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो रहा था। कई बार उनको बुलाया गया, 3-4 बार मुखिया और पंचायत सचिव के साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। वीडियो से भी बात की गई, संबंधित पंचायत सचिव को भी मौखिक रूप से टेलीफोनिक रूप से हम लोगों ने अपना निवेदन किया कि जल्दी आके करा लें, लेकिन किसी ने इस पर बच्चे को ध्यान नहीं दिया। DPRO साहब ने DPRO DDC के माध्यम से भी पत्र दिए गए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में DPRO के पहल पर पंचायती राज जो अधिनियम है, जो संबंधित जो धाराएँ हैं उसका हवाला देते हुए मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का डीएम रोहतास ने आदेश दिया। पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 8 के तहत यह अनुशंसा की गई है। इतना ही नहीं, सभी मुखिया पर नीलाम वाद दायर करने तथा गबन की राशि वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि पिछले एक महीना से जिला अधिकारी ने कई बार संबंधित मुखियाओं को स्पष्टीकरण भेजा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया। साथ ही नल जल योजना में कराए गए कार्यों का MB भी भरी नहीं की गई। ऐसे में उन तमाम मुखिया, पंचायत सचिवों तथा वार्ड क्रियान्वयन समिति पर कार्रवाई होना तय है। जिला प्रशासन के इस फरमान के बाद जनप्रतिनिधियों में हड़कंप की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर जानकार कहते हैं कि आरोपी मुखिया का इतना ही दोष है कि उन लोगों ने कार्य तो कराया, लेकिन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑडिट के लिए जमा नहीं किया। जिला अधिकारी द्वारा कई बार मुखिया के साथ की गई मीटिंग में उक्त निर्देश के बावजूद जिन लोगों ने आदेश की अवहेलना की तथा ऑडिट के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा है, ऐसे में अगर समय रहते संबंधित योजना का ऑडिट नहीं कराया जाएगा तो परेशानी और बढ़ सकती है। जिला अधिकारी पंकज दीक्षित कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, किसी भी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना को धरातल पर लागू करने के लिए CM खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर भी इतनी बड़ी योजना में गड़बड़ी कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।